हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशनल। देखिए, बाल विकास जो हमारा सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको पढ़ना बहुत ही आसान है। बस आपको मालूम होना चाहिए ये कौन सा शब्द क्या कह रहा है। आपको शब्दों के अर्थ मालूम नहीं है तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ना नामुमकिन हो सकता है, यानी आपके समझ में ही नहीं आएगा वो सारा सब्जेक्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले बाल विकास यानी कि सबसे पहले इनको समझ लें। बाल विकास होता क्या है? बाल विकास, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है बाल विकास, तो बाल विकास का मतलब है कि बालक का विकास, कि बालक का विकास कैसे होता है, किस क्षेत्र में होता है, कैसे, इसके सिद्धांत क्या है, क्यों किया जाता है, शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी एग्जाम आता है उसमें किसी टीचर भर्ती परीक्षा में, टेट में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में बनता है ये टेट वाली परीक्षा, शिक्षक भर्तियों के शिक्षक शिक्षकों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये माना जाता है सब्जेक्ट। तो ये हर एग्जाम में आता है, टेट की परीक्षा में। तो ये क्यों आता है, तो ये शिक्षकों के लिए क्यों पढ़ाया जाता है, तो आज इनको ही डिस्कस करेंगे ये क्यों जरूरी है। चलिए, तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी मिलेंगे। आप इसी तरह हमारे चैनल बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चलिए, तो बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाल विकास की आवश्यकता। देखिए, बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो बाल विकास से हम समझते हैं कि बाल विकास होता क्या है, बालक का विकास कैसे होता है। देखिए, तो बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जब भी हम, देखिए आपको मालूम होगा, जब भी कोई टीचर स्कूल में पढ़ा जाता है, प्राइमरी लेवल बात कर रहे हैं, जब कोई बालक को पढ़ाता है कोई बच्चा, तो कोई टीचर पढ़ाता है किसी बालक को, तो फिर उसको समझने में उसे बड़ी दिक्कत आती है। क्यों आती है, कि उसे यही मालूम नहीं है कि वो बच्चा किस प्रकार का है, क्या कर रहा है, वो कैसे उसको समझाया जाए। जब उसे यही मालूम नहीं है तो उस बच्चे को कैसे हैंडल करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा जो चला है ये क्या है, बालक की बाल विकास की प्रक्रिया को समझना, यानी उसको पहले समझना होगा कि किस प्रकार से उसे उसका बाल विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो अगला पॉइंट है बालकों की मनोरचनात्मक मनोरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखिए, बालक का विकास एक जरूरी है कि उसकी मन की रचना किस तरह की है, उसके मन में क्या चल रहा है, तो वो जानकारी होना भी जरूरी है। इसलिए बालक का विकास, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ती है बाल विकास के अध्ययन की। ठीक है, नंबर तीसरा है बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में। देखिए, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही टैलेंटेड होता है, कोई बिल्कुल नॉर्मल होता है, कोई उससे भी कम होता है, मंदबुद्धि का होता है, तो आप उनको उनके आगे की भविष्यवाणी, यानी कि भविष्यवाणी आगे के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं, उसको कैसे बोल सकते हैं, इसी तरह से बोल सकते हैं कि आपके आपने उसके बालक का, यानी उनके बालकों को पढ़ने की क्षमता है, यानी उसके विकास को जानने की क्षमता है, तो तभी तो आप उसको पहचान सकते हैं कि ये आगे चल के ये क्या करेगा, ये पढ़ सकता है। कोई देख कोई टैलेंट है तो आप कहें कि ये लड़का बहुत ही होशियार है, ये आगे चल के बहुत कुछ बनेगा, तो आप उसी बेस पर कह सकते हैं। तो किसका, यही यही तो अध्ययन होगा, और होता क्या है, ये यही तो अध्ययन है बालक के विकास का। चलिए, अगला जो पॉइंट है कक्षा में शिक्षण और अधिगम संबंधी वातावरण निर्मित करने में उपयोगी। देखिए, आप जब भी कक्षा में कोई शिक्षक पढ़ाता है और वहां के बालक के अनुसार, पहले आप तो उसके बालक के माइंड को पढ़ना होगा, यानी उसके बारे में जानकारी करनी होगी, जानकारी करनी है, तो आप जानकारी कैसे करेंगे, वही होता है बाल विकास। बाल विकास का अध्ययन यदि आपने किया है, यदि आप पढ़ा है बाल विकास, तो आप उस बालक को आसानी से पहचान सकते हैं कि वो बालक किस प्रकार का, किस प्रकार से वो सीखेगा, उसका वातावरण कैसे होना चाहिए सीखने के लिए। अधिगम भी होता है सीखना, ठीक है, इस शिक्षण यानी उसको सिखाया कैसे जाए, उसको किस शिक्षण विधि से, किस विधि से, किस तरीके से पढ़ाया जाए, वो होता है शिक्षण हमारा, यही होता है उस बालक का वातावरण कैसा होगा। देखिए, जब भी बालक होता है छोटा, जब भी अपने घर से आता है और, ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो अलग से, घर से बिल्कुल अलग होती है, तो यहाँ पर हमारी जो शिक्षा होगी उसके वातावरण को देखते हुए
हम शिक्षा यानी शिक्षकगण, शिक्षक और शिक्षकगण जो हमारे उस बच्चे को उस वातावरण के अनुसार ही ये सिखा सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। देखिए हर बालक का, जैसे कि हमने बताया था कि हर बालक की मानसिकता अलग होती है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई कम होता है, कोई थोड़ा कम होता है, उससे भी कम कोई बिल्कुल मंदबुद्धि का होता है, बिल्कुल ही मूर्ख होता है। तो हर व्यक्ति का जो दिमाग होता है अलग अलग ही होता है। देखिए यहाँ पर भिन्नता यानी हर व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो उसको भी जानने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है, याद रखिए। और जैसे कि हम जानते हैं अगला पॉइंट है अनुशासन स्थापना में उपयोगी। स्कूल में आपने देखा हर प्रकार के बच्चे आते हैं, हर प्रकार की मानसिकता अलग होती है, हर बच्चे का मानसिक जो विकास अलग अलग तरीके से होता है, उसका घर व्यवस्था भी अलग अलग तरीके से होती है। तो उनके वातावरण को पढ़ना, उनके मतलब अब कोई है वो अनुशासन नहीं यानी बहुत ही शैतान शैतानी टाइप के बच्चे भी होते हैं, कोई कम शैतान होते हैं, कोई बिल्कुल शांत होते हैं। तो उनका अनुशासन कैसे बनाया जाए, तो वही तो ज्ञान है, बाल विकास इसीलिए अध्ययन किया जाता है। देखिए सबसे हम यही पढ़ ही रहे हैं कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, तो इसीलिए आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, चलिए विशिष्ट बालकों के शिक्षण में उपयोगी। देखिए कोई बालक हमने बताया कोई अलग अलग प्रकार के, तो उनके शिक्षण में भी उपयोग हो सकता है ये। ठीक है, अगला पॉइंट है बालकों के व्यवहार का मर्मांतिकरण करने व नियंत्रण के लिए। वही वाली बात होगी, हर प्रकार के बालक का अलग अलग मार्गदर्शन किया जाता है, अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए उनका, क्योंकि हर बालक का व्यवहार अलग होता है। तो 9वां पॉइंट है बाल निर्देशन व परामर्श के लिए। बाल निर्देशन व परामर्श के लिए, तो बालकों को निर्देश देने के लिए, बालकों के बारे में आप जानते हो तभी तो उसको परामर्श दे सकते हो। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि देखो आप तो जानते हैं, ठीक है आपने अपनी थ्योरी कंप्लीट कर ली, पढ़ लिया आपने, जब आपको पता ही नहीं है कि उस बच्चे को कैसे किस तरह समझाया जाए उस क्वेश्चन को उस बच्चे के लिए, तो फिर आप कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि सबसे पहले उस पढ़ना होता है, उसका माइंड पढ़ना होता है कि वो किस तरीके से सीख सकता है। तो ऑप्शन हमारा 9 यानी 9 नंबर हमारा इसी को निर्देशित करता है। तो चलिए जो इसीलिए तो हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपको आई होप आप लोगों को समझ आ चुका हो कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अगले भाग की, बाल विकास का क्षेत्र। देखिए बाल विकास का क्षेत्र कौन कौन सा है, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास का क्षेत्र। देखिए विकास का क्षेत्र यानी कि क्या होता है ये, देखिए पॉइंट नंबर 1 है बाल विकास का विभिन्न अवस्था का अध्ययन। इसमें किस किस का अध्ययन क्या होता है इसमें, तो विकास का क्षेत्र यानी उसमें क्या किया जाता है, अवस्थाओं उसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन भी किया जाता है। बालकों की व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जाता है यानी कि अलग अलग विकास जो उनका विकास अवस्था होती है उनका, तो अध्ययन यानी कि कैसे जो किस युवावस्था है या बाल्यावस्था है या फिर शिशु शैशव अवस्था है ना, तो इनका अध्ययन अवस्था संबंधित हो गया। और व्यक्तिगत भिन्नता उनकी भिन्नताओं के बारे में अध्ययन करना, ठीक है सभी समझ सकते हैं ना कि उसकी भिन्नता यानी सबका मानसिकता अलग अलग होती है, उनके बारे में भी हम अध्ययन कर सकते हैं इसके किसके बाल विकास में। ठीक है, तो बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, ठीक है अलग अलग प्रकार की किस आयु में कौन सी चेष्टा होती है बालकों की, किस प्रकार का वो गतिविधियां करते हैं, तो उनका अध्ययन करना। और सही बाल चौथा है बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन करना, वही व्यक्तिगत भिन्नता हमने बताई अभी, असमानताओं का अध्ययन करना उसमें किस प्रकार की असमानता पाती है, ऐसा नहीं कि सही बाल आगे की जैसे हो। ठीक है, तो चौथा नंबर यही दर्शाता है कि उनकी असमानता यानी उसमें क्या क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं, तो ये उसमें क्यों हर बालक अलग प्रकार अलग अलग तरीके का होता है, एक तरीका नहीं होता है। ठीक है, और इसका देखिए इसका क्षेत्र है और बालकों की रुचियों का अध्ययन। देखिए कौन सा बालक किस प्रकार की रुचि रखता है इसके बारे में भी अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। और व्यक्तिगत का मूल्यांकन, देखिए बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन यानी कि हर व्यक्ति जब भी आप एग्जाम लीजिए या कुछ भी लीजिए, हर किसी के नंबर अलग अलग आते हैं, आप इसी तरह समझ लीजिए कि उसके नंबर आए तो सबका व्यक्तित्व यानी कि उसका पर्सनैलिटी वगैरह सब कुछ अलग अलग होगा, यानी कि उसका मूल्यांकन कि उसके किसी के नंबर कम आते हैं किसी के ज्यादा आते हैं। और कोई व्यक्ति व्यक्तित्व का मूल्यांकन मतलब उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस स्वभाव का है, कैसा वातावरण है,
किस वातावरण से वो आया है और किस तरह से वो जैसे स्कूल के वातावरण में ढाला जाएगा, ठीक है, वो शिक्षक का काम होता है। तो अगला पॉइंट है बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। देखिए वैसे कि हमने अभी बताया, ये देखो सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट है, थोड़ा ही अंतर है पर है ही। यदि आपने समझ लिया है कि बाल विकास का क्षेत्र किन किन अध्ययनों में, क्रिकेट का अध्ययन किया जाता है उसमें क्षेत्र में, तो वही सारे पॉइंट है, इनको आप क्लियर करिए, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे 100%। बस थोड़ा है कोर्स, एक दो क्वेश्चन आते हैं जो लिखने के लिए उसमें, जो हमारे वैज्ञानिक वगैरह है उनसे तो आपको याद ही करना पड़ेगा, पर व्हाट नॉट, टेंशन लीजिए, आपको वो भी सारे याद करवा दिए जाएंगे। चलिए और है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की अध्ययन, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन इसमें क्या आता है, देखिए इसमें बता दें आपको उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसका अध्ययन उसके मन का, आपने को उसके बालक के मन का अध्ययन करने की जरूरत होती है, वही इसमें होता है बाल विकास के क्षेत्र में। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल टारगेट बेट है, वैसे सीटेट के लिए जो सीटेट हमारा है और सीटेट चल रहा है और भी टेट वगैरह चलते हैं, एमपीटेट भी आने वाला है, सीटेट भी हमारा 31 जनवरी को ही हमारा पेपर है सीटेट का, और भी यूपीटेट वगैरह है, हर एग्जाम हर स्टेट का टेट का एग्जाम जो होता है सभी में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे ही। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये बाल विकास क्यों जरूर पड़ता है हमारे लिए। चलिए तो अगला है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत ये क्या होते हैं, देखिए बाल विकास के सिद्धांत में पॉइंट नंबर वन है परस्पर संबंध का सिद्धांत के अनुसार बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है परस्पर संबंध का सिद्धांत के अनुसार, परस्पर यानी आपस में जब भी कोई बालक बात करते हैं आपस में, तो बालक के अनुसार विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। देखिए सभी कुछ ना गुण वहाँ पर कुछ संबंधित होते हैं लेकिन हर गुण हर बालक में समान नहीं होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं। तो अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत वृद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है, याद रखिएगा। कोई बालक दो, आपको मान के चलते हैं आपके पास दो बालक हैं तो हर इसका विकास अलग होगा, इसका विकास अलग होगा, क्योंकि भाई इनका वातावरण स्कूल के टाइम पे तो एक है लेकिन इनके घर का वातावरण अलग है, इनके गली का इनके मोहल्ले का वातावरण अलग है, तो उनका वृद्धि और विकास भी अलग तरीके से ही होगा। यहाँ पर अकेला स्कूल के वातावरण से संबंध नहीं बोला है, यहाँ पर उसके पूरे विकास के उसके पूरे वातावरण से संबंधित बोल रहा है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत भिन्नता तो हर जगह से जुड़ी जाती है, ये नहीं कि सिर्फ स्कूल से ही जोड़ा जाए। अब व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखिए हर व्यक्ति को जानते हैं, हमने बताया गया कि हर व्यक्ति का पढ़ने में कोई तेज होता है, कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है, कोई ठीक है कम होता है, तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो उसका विकास दर या उसकी मानसिकता कैसी है, शिक्षार्थी यानी कि वो सीखने में कैसा है, कमजोर है या अधिक है या सही है, ठीक है, तो इसी तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो ये सिद्धांत इम्पोर्टेंट है, हर किसी जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, इसी में यही मुख्य होता है। चलिए तो अगला पॉइंट है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत के अनुसार मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है। देखिए हमने अभी से शुरू से ही बताए चले आ रहे हैं कि बाल विकास के बाल बालक का विकास सबसे अधिक किस प्रभावित होता है, वंशानुक्रम और वातावरण से, ठीक है। वंशानु यानी देखिए वंशानुक्रम मतलब ये होता है कि उसके जो घर परिवार में होता है, जो उसके माता पिता करते हैं, उसका वंशज दादी वगैरह वंशज होते हैं, जो वैसा करते हैं वैसे उसके जीन्स हो गए, वैसा ही वो काम करेगा। और एक प्रभाव पड़ता है वातावरण का, जैसा उसके आसपास का वातावरण होगा वैसा ही उसका स्वभाव होगा। देखिए जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो वहां का वातावरण अलग होता है, आप घर में रहते हैं, आप गांव अपने गली मोहल्ले में रहते हैं तो उसका वातावरण अलग होता है, ठीक
है, तो आप गली में आकर के सिर्फ गली की भाषा बोलेंगे और बाहर जाके सिर्फ बाहर की भाषा बोलेंगे। क्यों? इससे क्योंकि भाई आप गली की भाषा बोलेंगे तो वहां पर हंसी मजाक, आपका हंसी मजाक होगा, ठीक है। क्यों बोलते हैं, इसी डर से बोलते हैं, तो क्योंकि वहां का स्वभाव अलग है, जैसा स्वभाव वैसा देश जैसा भेद, ठीक है। तो इसी तरह ये वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वंशानुक्रम और वातावरण, दोनों के योग से, यानी कि दोनों के योग से ही क्या होता है, बालक का विकास होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे ये सिद्धांत क्लियर होते हैं, और कुछ एक दो और सिद्धांत हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, ये सभी इंपॉर्टेंट है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, देखिए कोई वस्तु सामान्य चलती है, और फिर उसके बाद कोई व्यक्ति है सामान्य सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद क्या करता है, विशिष्ट क्रिया, यानी कि जो उनमें क्षमता आ जाती है वो करने कार्य करने की, ठीक है। चलिए अगला है, विकास की निश्चित दशा मस्तकाधोमुखी या सिरपुच्छीय दिशा के सिद्धांत के अनुसार बालक के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन बना हुआ है इससे कि बालक का विकास किस तरह से होता है, तो या तो ये वाला दे दिया जाएगा मस्तकोद्मुखी, या ये वाला दे दिया जाएगा सिरपुच्छीय दिशा, या फिर यही होता है ओम सा आंसर में सिर से पैर की दिशा में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट को बालक का विकास जो होता है कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है। चलिए अगला है, सतत निरंतर विकास का सिद्धांत के अनुसार विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। देखिए आपको पता होगा, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, उसका विकास तो होता ही है, तभी तो वो आगे चलता है, तभी तो उसका विकास। देखिए विकास की बात करें तो हर क्षेत्र में विकास, अकेला बढ़ने से नहीं, ऐसा नहीं कि उसका सिर्फ शरीर ही विकास कर रहा हो, देखिए उसकी भावनाएं उसकी मानसिकता ये भी तो विकास करती हैं। आगे कैसे चलता है, जब वो कोई चीज को पढ़ता है, मान के चलते हैं, और उसने कोई इंडिया का भारत का कोई भूगोल पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़ा, मुख्य पॉइंट पढ़े, तो इतना क्या उसके लिए काफी है? आगे चल के जब उसको पता होगा कि उसको और जरूरत है पढ़ने की, तो पढ़ेगा तो क्या होगा, उसका माइंड डेवलप होगा, तो ठीक है। तो इसी तरह से ये विकास कभी समाप्त न होने प्रक्रिया, यानी कि वो कभी भी सीख सकता है किसी प्रकार के। देखिए शरीर की बात करें तो शरीर भी बढ़ता है, उसका बढ़ता है, तभी तो भाई आगे चल के बूढ़ा होता है वो, इस क्या है? देखिए इसको समझने कई तरीके हैं, कई प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो विकास तो हर क्षेत्र में होता है, ठीक है। देखिए कोई तरक्की कर रहा है, किसी नौकरी में तरक्की कर रहा है, कोई किसी क्षेत्र में कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी में कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में काम करे, उस पर अपनी उपलब्धि या लक्ष्य को प्राप्त करे, तो वही होता है विकास, याद रखिएगा। देखिए रेखीय ना होकर पेचदार विकास का सिद्धांत, देखिए जरूर नहीं कि कोई विकास कर रहा है वो सीधी रेखा में चले, यानी कि सिर्फ एक एक ही लाइन में, उसका विकास हर चरण पे होता है, हर उम्र पर होता है उसका विकास। तो याद रखिएगा उसका विकास रेखीय ना होकर के पेचदार यानी कि घुमावदार, यानी कि कई मोड़ आते हैं, आपको मालूम होगा कई मोड़ उसके विकास, हर किसी के विकास में कई मोड़, कई प्रकार के मोड़ आते हैं, कोई अच्छा कोई सुख दुख वगैरह इनसे संबंधित है, याद रखिए, ऐसा समझ जाइए, ठीक है। तो ये ऑप्शन, ये भी हमारा क्लियर है पॉइंट। चलिए पूर्वानुमान का सिद्धांत, पूर्वानुमानता का सिद्धांत, यानी पूर्व के अनुसार हम उसकी मानवता को पूर्वता के अनुसार पहचान सकते हैं कि उसका कैसा होगा। विकास क्रम का सिद्धांत, उसका विकास क्रम में चलता है, ठीक है, क्रम में चलता है विकास, ये ऐसा नहीं कि आज ये हो गया तो कल ये, कि आप जब भी सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं उसके बाद दूसरी चढ़ते हैं, ऐसा है नहीं कि आप पहली चढ़ गए उसके बाद चौथी चढ़ गए छठवीं चढ़ गए, ऐसा तो नहीं होता ना। तो विकास हमेशा क्रम से होता है, यदि आपने जितना सीखा है तो आगे क्रम से ही सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने एक हेडिंग पढ़ी और पूरा निबंध याद हो गया, ऐसा नहीं होता। तो आपको उस तक पूरा निबंध याद करने के लिए उसको पढ़ना तो जरूर पड़ेगा, भले ही एक बार पढ़ लो लेकिन आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो यदि यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, और इसी तरह हमारे
बाल विकास का आनंद लें। चलिए, थैंक यू।